Hello everyone, this is Harsh Parashar, student of Sri Vaishnav Institute of Forensic Science, Indore. Today we are discuss about addition, substitution and obliteration in question document. So what is question document? A question document is unsure document that has any of the following characteristics like blur, doubtful, unknown or questionable. मतलब कोई सा भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके जो डाउटफुल हो या फिर क्वेश्चनेबल हो उसे हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट बोलेंगे. इसके अंदर सिग्नेचर, हैंडराइटिंग, टाइपराइटिंग और कोई सा भी मार्क्स या फिर कोई सा भी एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक जो कि डाउटफुल हो उसे हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट. क्वेश्चन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ केसेस यहाँ पे है, जैसे कि फॉर्जरी, आर्ट क्राइम, काउंटरफिटिंग, थेफ्ट, मेल फ्रॉड, रॉबरी, किडनैपिंग, आर्सन, कॉन गेम, ये सब चीजें क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के केसेस में इन्वॉल्व होती है. यहाँ पर कुछ एग्जांपल है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के, जैसे कि फर्स्ट इसमें डॉक्यूमेंट का कुछ पार्ट को इरेज किया गया है. सेकेंड इसमें आप देखेंगे कि 9 के आगे 2 जीरो को एड किया गया है. थर्ड में जहाँ पे 341.25 लिखा था वहाँ पे 841 को एल्टर किया गया है. और लास्ट वाले इमेज में आप देखेंगे तो इसमें पता चलेगा कि 9 के बाद एक जीरो वो ऐड करा गया है. ये दूसरा एग्जांपल है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट का, जिसके अंदर इंटेंडेशन मार्क्स को हमने फाइंड आउट किया है. और मतलब कोई से भी एक पेज के ऊपर हम लिखते हैं उसके नीचे उसका इंप्रेशन बनता है, उसे हम इंटेंडेशन मार्क बोलते हैं, जिसे हम एसडा से फाइंड आउट किया गया है. यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट है जो कि डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट वीएसएस 6000, सेकंड माइक्रोस्कोप, थर्ड इंफ्रारेड टेक्निक का यूज करके हम डिफरेंट इंक को फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इमेजिंग और हाई एंड लो इंटेंसिटी की अल्ट्रावायलेट लाइट और फोटोग्राफी. सम ऑफ द टूल्स दैट आर यूज्ड इन द फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनर. फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनर कुछ चीजें यहाँ पर कुछ टूल्स है जो कि वो यूज करता है एग्जामिनेशन के लिए, जैसे कि डिजिटल माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, आईआर एंड यूवी व्यूइंग स्कोप, ल्यूप और प्रोटेक्टर और एसडा और बीएससी भी इसमें यूज किया जाता है. अब हम बात करेंगे अल्ट्रेशन होता क्या है. अल्ट्रेशन डॉक्यूमेंट एग्जामिनर मस्ट डील्स विद द एविडेंस दैट हैज बीन चेंज्ड इन द सेवरल वेज सच एज थ्रू एडिशन, इरेजर एंड ऑब्लिट्रेशन. कि डॉक्यूमेंट एग्जामिनर वो चीजें अल्ट्रेशन वो होता है जिसमें मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट में कुछ चीजों में चेंज किया गया हो, जैसे कि कुछ चीज ऐड की गई हो, उसमें से इरेज किया गया हो या फिर उसे ऑब्लिट किया गया हो. और इरेजर टेक्निक जो है उसके अंदर ये करते हैं कि ये ना रबर इरेजर, सैंड पेपर, रेजर ब्लेड्स और नाइफ के थ्रू जो भी मार्क है अपना, जो भी मतलब सिग्नेचर, हैंडराइटिंग है उसको उसका थोड़ा पार्ट इरेज करके उसको दूसरी चीज में कन्वर्ट कर देते हैं. उसके बाद एडिशन में ये होता है कि कोई सी भी चीज को जैसे कि 900 लिखा है उसको 9000 में कन्वर्ट करना, मतलब एक जीरो का ऐड करना, उसे एडिशन में डालते हैं. ऑब्लिट्रेशन में किसी भी ओरिजिनल वर्ड के या फिर सिग्नेचर या फिर मार्क के ऊपर ओवरराइटिंग करना या फिर उसे छुपाने की कोशिश करना, जैसे कि क्रॉसिंग करके या फिर कोई सी भी चीज करके जिससे वो छुप जाए पूरा, उसे ऑब्लिट कर देना, उसे ऑब्लिट्रेशन में डालते हैं. ये एक एग्जाम्पल है जिसमें 131 को कन्वर्ट किया गया है 484 में. इसमें कुछ अलग अलग पेन की इंक सब अलग अलग कंपोजिशन की होती है, जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से इंक अलग है और कौन सी पहले लिखी गई है. ये दूसरा एग्जाम्पल है जिसके अंदर ओरिजिनल जो चीज लिखी थी वो थी 6 और जिसमें एक टी वाई को ऐड करके उसको बनाया गया 60. अब हम बात करेंगे एडिशन की. तो एडिशन होता क्या है. डॉक्यूमेंट्स आर अल्टर्ड बाय मींस एडिशन. एडिटिंग जीरो एट द एंड्स ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ न्यूमरल्स एंड राइटिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड मे इन्फ्लेक्ट द अ चेक आफ्टर अ राइटिंग फिगर. इसके अंदर ये होता है कि एडिशन में मैंने आपको बताया था कि है ना कोई सी भी चीज को ऐड कर देना,
किसी भी एक वर्ड के आगे मैं कुछ ऐड कर दूं या फिर उसके पीछे ऐड कर दूं, वो पूरा वर्ड चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक दिया गया है कि जीरो न्यू जीरो को एक वर्ड के एक नंबर के आगे ऐड करा गया है। तो जैसे कि अगर 160 है तो वो 1600 हो जाएगा अगर जीरो ऐड कर देंगे तो, जिससे वो पूरा न्यूमेरिकल चेंज हो जाएगा। बाय एडिशन ऑफ दिस टाइप मे बी डिटेक्टेड, कि अगर मतलब ऐसी चीजें कुछ भी हुई तो हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? व्हेन इट इज रिटन विद द डिफरेंट पेन और इंक, अगर कोई भी चीज को डिफरेंट पेन से या फिर डिफरेंट इंक से लिखा गया है तो हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर सेकंड, व्हेन इट इज एडेड बाय डिफरेंट राइटर, अगर ये किसी भी हर किसी की राइटिंग सेम नहीं होती है, कुछ ना कुछ वेरिएशन आता ही है। अगर हम किसी की हैंड राइटिंग सेम टू सेम निकालने की कोशिश भी करते हैं तो भी नहीं होती। तो वैसे अगर कोई भी डिफरेंट पैटर्न से कोई भी चीज़ बनाने की कोशिश करेगा तो उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दूसरा एग्जांपल है एडिशन का, जिसमें कोई से चेक के बाद प्रीत के आगे कौर को ऐड किया गया है। ये एक एडिशन का एग्जांपल है, आप देख सकते हैं प्रीत यहाँ पे लिखा था, उसके आगे कौर ऐड किया गया है। ये एडिशन का नेक्स्ट एग्जांपल है, जिसके अंदर हम देखेंगे जैसे कि 1600 है जहाँ की और यहाँ पे 16, तो इसमें जो है 1 वो ऐड किया गया है। यहाँ पे हमने इंफ्रारेड लाइट से लाइट के थ्रू इसको फाइंड आउट किया गया है, और 6 के आगे 3 को ऐड किया गया है। अब इरेजर की बात आती, तो इरेजर ये भी है, इन्वॉल्व्स एक्चुअली रिमूवल ऑफ राइटिंग फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट थ्रू मैकेनिकली, मोस्ट कॉमन वे टू अल्टर अ डॉक्यूमेंट। इसके अंदर ये हो गया कि मैकेनिकली कोई भी चीज को हम अगर इरेज कर देते हैं, भले वो केमिकल के थ्रू हो या फिर मैकेनिकल हो, उसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। और एग्जांपल ये है कि जैसे कि पेंसिल इरेजर, सैंड पेपर, रेजर ब्लेड और नाइफ के थ्रू, यहाँ देखेंगे तो है ना, यहाँ पे कुछ चीजें इरेज की गई है जैसे कि मार्क्ड अप, ये हम देखेंगे तो विद द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड लाइट वी कैन डिटरमाइन कि मतलब क्या उसमें से इरेज हुआ है। ये इरेजर का सेकंड एग्जांपल है, जिसके अंदर यहाँ की लाइन को इन्होंने इरेज किया गया है, शायद वो सैंड पेपर से या फिर पेंसिल इरेजर से, जो कि हम इंफ्रारेड लाइट में आसानी से देख सकते हैं, आसानी से उस चीज को कि क्या इरेज। ये नेक्स्ट एग्जांपल है इरेजर का, जिसमें जो नॉर्मल व्यू था वो था आयन 20,000 लिखा था, जिसमें इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस में मतलब हमें नहीं दिखा, नॉर्मल व्यू में नहीं दिखता है ये, बट इंफ्रारेड लाइट जो हमने उस पर डाली तो हमें वो पूरा क्लियर दिख जाता है कि उसकी उस जगह पे क्या लिखा था, मतलब अल्टर क्या क्या हुआ है। ऑब्लिटरेशन, इट मींस द इफेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ अपीयरेंस ऑफ द ओरिजिनल राइटिंग, मींस ओरिजिनल राइटिंग को किसी भी तरह डिस्टर्ब कर देना, ओवर राइटिंग और क्रॉसिंग विद अ पेंसिल पेन और बाय स्प्रेडिंग इंक और डार्क फ्लूइड इन द मोस्ट कॉमन मेथड। मतलब कोई सी चीज ओरिजिनल चीज लिखी है उसके ऊपर पेंसिल से घिस दिया या फिर पेन से काट दिया उसे, उसके ऊपर ओवर राइटिंग करी, क्रॉसिंग उसके ऊपर कर दी या फिर लिक्विड इंक उसके ऊपर ढोल दी, जिससे वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाए, उसे हम ऑब्लिटरेशन में डालेंगे। जैसे कि देखेंगे आप यहाँ पे कोई सी कुछ वर्ड लिखा था जिसको पूरी तरह ऑब्लिट कर दिया है, ऑब्लिटरेट कर दिया है और नॉर्मल व्यू में ये नहीं दिखता, बट इंफ्रारेड ल्यूमिनेसेंस लाइट या फिर इंफ्रारेड लाइट में हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी जगह क्या लिखा था, उसकी ओरिजिनल राइटिंग जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है ऑब्लिटरेशन का, जिसके अंदर एक वर्ड को किसी ने ऑब्लिट किया है बहुत अच्छे से, बट हम बीएससी के थ्रू या मतलब इंफ्रारेड लाइट के थ्रू हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया कि उस जगह पे लेस लिखा था, इज लेस रिस्क। ये लास्ट एग्जांपल है ऑब्लिटरेशन का, जिसके अंदर हमने बताया यहाँ पे कुछ ओरिजिनल राइटिंग से लिखा गया था और इसको पूरी तरह ऑब्लिट कर चुके हैं, तब भी हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस। ओके, थैंक यू।